नमस्कार टुडेज विग न्यूज को स्वागत करुछे मु सुधांशु। दिल्ली रे G20 दिव्य दरबार विश्व देखुची भारत रदम प्रथम थर लगी भारत अध्यक्षता रे G20 शिखर सम्मेलनी आयोजित होता बेले आज विश्व मंच रे हेउची मानस मंथन वसुधैव कुटुंबकम थीम को नहीं सम्मिलित आयोजित करा जायछि। विभिन्न राष्ट्र राष्ट्रपति एवं राष्ट्र मुख्य मान आसी नुआ दिल्ली में पहुंच सारी बेले आज विश्व मंच में विभिन्न प्रसंग रे हेबो गुरुत्वपूर्ण आलोचना जहाँ कहुची पर्यायक्रमे दिन सारा विभिन्न कार्यक्रम रही G20 सम्मेलन प्रथम अधिवेशन रे वन अर्थ उपरे आलोचना करा जाउची। दिन गोटे 30 रे अतिथि द्विपाक्षिक आलोचना कार्यक्रम रही अपराह्न 3टा द्वितीय अधिवेशन रे वन फैमिली उपरे आलोचना करा जिवो। तबे गुरुत्वपूर्ण विषय होउची विश्व रे जो मुख्य नेतृ माने अछंती विभिन्न राष्ट्र मुख्य माने अछंती सेमाने आसी दिन रे एकत्रित होइछंती एवं जहाँ कहा जाउची विश्व नेतृवृद्धर गोटे मेली वर्तमान दिल्ली में आरंभ होई छी। ए G20 शिखर सम्मेलन को लेकिन वास्तव में ए G20 शिखर सम्मेलन केते दूर भारत पाई कूटनीति क्षेत्र में एक नुआ दिग आणिबो से सब कु नहीं आज हमें टुडेज बिग न्यूज रे नजर पकेबा दिल्ली रे विश्व नेतृवृद्ध मेली विश्व देखुची भारत रदम राजधानी दिल्ली रे एकाठी होईछंती विश्व नेता प्रथम थर लगी भारत अध्यक्षता रे G20 शिखर सम्मेलन आयोजित होइतबा बेले आज जो विश्व मंच रे हेउची मानस मंथन वसुदेव कुटुंब कम थीम रु नै सम्मेलन आयोजित हो कराइछि जार अर्थ हेउची समग्र विश्व गोटिए परिवार। विभिन्न राष्ट्र राष्ट्रपति एवं राष्ट्र मुख्य माने आसी नुआ दिल्ली रे पहुंच सारिथिबा बेले आज विश्व मंच रे विभिन्न प्रसंग रे हेबो गुरुत्वपूर्ण आलोचना करा जाउछि। नुआ दिल्ली रो भारत मंडपम रे विश्वर बड़ बड़ नेता एकाठी होछन्ति। दुई दिनिया सम्मेलन रे जाति संघ रो महासचिव ठारु आरंभ करी 30 जन राष्ट्र मुख्य किंबा सेमानक प्रतिनिधि एवं 14 अंतरजातीय संगठन रो मुख्य जोग देइछन्ति। पर्यायक्रमे आज दिन सारा विभिन्न कार्यक्रम रहिछि। प्रथम अधिवेशन रे वन अवार्ड उपरे आलोचना करा जाउछि। दिन गोटे 30 रे अतिथि द्विपाक्षिक आलोचना कार्यक्रम रही अपराह्न 3टा रे द्वितीय अधिवेशन रे वन फैमिली उपरे आलोचना कर जीवो। G20 सम्मेलन रे सबु राज्य रो हस्ततंत्र प्रदर्शित कर जायछि। विभिन्न राज्य रो स्टॉल लागिछि ठारे ओडिसा रो हस्ततंत्र मध्ये रे प्रदर्शित होछि। जगन्नाथ को मूर्ति सह चांदुआ प्रदर्शित कर जायछि। एहा सह अन्य राज्य रो हस्तकला मध्ये स्थान पाइछि जहाँ को देखिबाकु ए स्टॉल गुडी करे भीड़ जमुछि। विदेशी अतिथि माने देशर विभिन्न राज्य रु आसतिबा हस्तकला को बुली देखिबे जहाँ द्वारा भारतर कला विदेश रे पहुंच पारिबो। G20 शिखर सम्मेलन रो आयोजन पई भारत को प्रशंसा करिछंती। एथिस भारत रे आगामी 5 वर्ष भितरे निवेश करबा को घोषणा करिछंती बाइडेन। ते विश्वर सर्वबृहत गणतंत्र प्रधानमंत्री एवं विश्वर सर्वपुरातन गणतंत्र राष्ट्रपति को मध्यरे चालिथिबा आलोचना उपरे अटकी रहिछि सारा दुनिया नजर कारण बाइडेन राष्ट्रपति हेबा परे प्रथम थर पई भारत गस्त रे आछंती। एथिस रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन रा राष्ट्रपति सी जिनपिंग G20 रे सम्मेलन को जोग देबाकु आसु नथिबारु बाइडेन आसीबा विशेष गुरुत्व रखुची। ब्यूरो रिपोर्ट एमबीसी टीवी। G20 रा शिखर सम्मेलन दिल्ली ठार आरंभ होईछि एवं वर्तमान स्थिति रे ए सम्मेलन को ने समस्तक नजर रहिछि जेहेतु गुरुत्वपूर्ण दिग होउची विश्वर बड़ बड़ राष्ट्रर मुख्य माने पहुंची छंती ए शिखर सम्मेलन रे ए विषय अधिक आलोचना करबा पई मो सहित स्टूडियो अछंती डॉक्टर प्रशांत कुमार साहू अछंती वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ समस्त मध्ये अछंती भावतोष पति अछंती वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ आपन मानको स्वागत करूची। आज रे आलोचना को G20 शिखर सम्मेलन आरंभ होबाकु जाउची एवं ए नै मध्ये समस्तंकर सारा विश्वर नजर रहिछि ए सम्मेलन उपरे एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण होउची जेहेतु भारत रे ए सम्मेलन रे आयोजन होइछि एवं दिल्ली रे समस्ते एकत्रित होइछंती विश्वर बड़ बड़ राष्ट्रर मुख्य माने सीधा सवाल करबी डॉक्टर प्रशांत सर आपन मानको पाखकु वास्तव रे ए जो शिखर सम्मेलन आम भारत पाई आगामी दिन रे कूटनीति क्षेत्र रे कोन सबु विशेष परिवर्तन आणिबाकु जाउछि देखो आमर ई G20 रे प्रेसिडेंसी रे प्रथम कथा हला
ଇଣ୍ଡିଆର ଗ୍ରୋଇଂ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଆଉ ଥରେ ଶୋକେସ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଅବଭିୟସ୍ଲି ଇନ୍ ଦି ଲାଷ୍ଟ 7-8 ଇୟର୍ସ ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ରିଚ୍ ବଢ଼ିଛି ଆମର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏନ୍ଗେଜ୍ମେଣ୍ଟସ୍ ବଢ଼ିଛି ଆମର ଯେହେତୁ ଇକୋନମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ରୋବଷ୍ଟ ଅଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଫ୍ଥ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଇକୋନମି ଇନ୍ ଆନଦର 3-4 ମନ୍ଥସ୍ ୱି ଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ବି ଫୋର୍ଥ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଇକୋନମି ଏସବୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଯେଉଁଟା ଭାରତର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ନାଓ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଦି ବ୍ରାଇଟେଷ୍ଟ ସ୍ପଟ୍ ଇନ୍ ଦି ୱାର୍ଲଡ ଇକୋନମି ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ମେଜର ଇକୋନମିଜ୍ ମାନଙ୍କର ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ହେଉଛି ଗ୍ରୋଥ୍ରେ ଇଭିନ୍ ତା ଭିତରୁ କେତେଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲି ରିସେସନ୍କୁ ଗଲେଣି କଞ୍ଜିକେଟିଭ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ରେ ସେ ଜାଗାରେ ଭାରତର ଇକୋନମି ଇମ୍ପ୍ରେସିଭ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ 7.8% ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଶୋ କରୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଇକୋନମିକ୍ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର୍ ଗୋଟେ ଡିକ୍ଲାଇନିଂ ଇକୋନମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଦି ରେଜିଲିଏନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନମି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନମିର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନମିର ଯେଉଁ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ମାର୍କେଟ୍ର ବାଇଂ କାପାସିଟି ଆଉ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ମାର୍କେଟ୍ର ଆମର ଯେଉଁ ୟୁନୋ ଇକୋନମିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଅଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ୱେଲ୍ଥ କାରଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ୱେଲ୍ଥ ନହେଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ରୋବଷ୍ଟ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ ନାହିଁ ଓକେ ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଏସବୁ କଥାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବଢ଼ୁଛି ତାକୁ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥେନ୍ କରିବ ଏଇ ଯେଉଁ G20ରେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକିନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଏଜେଣ୍ଡା ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲାଷ୍ଟ 9 ଇୟର୍ସ ଧରିକି ପାଖାପାଖି 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ୱାର୍କିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଫୋକସ୍ ହେଉଛି ରେଜଲ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ ଖାଲି ଏମିତିଆ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସରେ ଯାଇକିରି ଫଟୋ ଅପ୍ କରିକିରି 2-3 ଦିନ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରି ଆସିବା ନା ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଏଜେଣ୍ଡା ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରପର୍ଲି ପୁଷ୍ କରି ତା ବିଷୟରେ ପ୍ରପର୍ କନ୍ସେନ୍ସସ୍ ଡ୍ର କରିକିରି ତା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ଟିଂ ଆକ୍ସନ୍ ଆମେ ନେବା ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ୱାର୍କିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଏବେ ଆଜ୍ ଅ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଲିଡର୍ ତାଙ୍କର ସେଇ ଫୋକସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସବଷ୍ଟାଣ୍ଟିଭ୍ ରେଜଲ୍ଟ ୟୁନୋ ଇନ୍ ଦି ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ଡେ ବାହାର କରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାର ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି ତେଣୁ ଯଦି ସେ ୱାର୍କିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ ଦେଖିବେ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଯେଉଁ କମନ୍ ଏଜେଣ୍ଡା ଅଛି ଭାରତର କ'ଣ ଏଜେଣ୍ଡା ଅଛି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପରେ କରିବା ଯେଉଁ କମନ୍ ଏଜେଣ୍ଡା ଅଛି ସେ କମନ୍ ଏଜେଣ୍ଡାରେ ଯେଉଁ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଜେଣ୍ଡା ହେଲା ପଭର୍ଟି ଏରାଡିକେସନ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସାଉଥର ଭଏସ୍ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ପଭର୍ଟି ଏରାଡିକେସନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡେଭଲପ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦେ ହାଭ୍ ବିନ୍ ପେଇଂ ଲିପ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଓନ୍ଲି କେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଏଡ୍ ଦେଇଦେଲେ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ୍ ଓପନ୍ କରିବା କଥା ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେଡ୍ର ଫାସିଲିଟି ଦେବା କଥା ମାର୍କେଟ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଦେବା କଥା ତାହା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଛି ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏବଂ ଏହା ଗୋଟିଏ ଭାରତର ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ରହିବ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏଇଟା ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏଇ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ସେଇ ଦିଗକୁ ଭାରତକୁ ଆଣିପାରିବ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଭାରତର ଲିଡରସିପ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାର୍ଲଡ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିସାରିଲାଣି ଓକେ ଏବଂ ଏଇ G20ରେ ତାର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ G20ର ଯେଉଁ ଅରିଜିନାଲ୍ ମିଟିଂ ଅଛି ଆଜି ଆଉ କାଲି ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଯିବାରୁ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ସି ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ୍ ଫେଲ୍ଟ ଲିଟିଲ୍ ଅନ୍ସେଟଲ୍ଡ ଟୁ କମ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଓକେ ମୁଁ ଯିବି ମସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଭବତୋଷ ପତି ଅଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ପତି ବାସ୍ତବରେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁ କି ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ହେବ ଆମ ଭାରତର ଯାହା ଆମେ କହୁଛେ କୂଟନୈତିକ ମହାକୁମ୍ଭ ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ G20 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ବିଶ୍ୱର ଯେଉଁମାନେ ନେତୃବୃନ୍ଦ ସେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି ଯାହାକି ଗୋଟେ କୂଟନୈତିକ ମହାକୁମ୍ଭ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଯେଉଁ କୂଟନୈତିକ ମହାକୁମ୍ଭ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସାହୁ କି ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ହେବ ବାସ୍ତବରେ ଏଇ G20 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗ ଉପରେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ହେବ ମେନ୍ଲି କେଉଁ କେଉଁ ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଏ ବିଶ୍ୱର ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଇ G20 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିବ ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା କ'ଣ ରହିବ ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ଏଇ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଲୋଚନା ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ରହିବ ଏ କି G20 ଆରାଉଣ୍ଡ 80% ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡର କାର୍ବନ୍ ଏମିସନ୍ କରୁଛି ତ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭାରତ ଏଇ ଦିଗରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରୟାସ କରିଛି କି କେମିତି ରିନ୍ୟୁଏବୁଲ୍ ଏନର୍ଜିକୁ କେମିତି ଆମେ ଭଲସେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ତ ଏବେ ଗୋଟେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଂ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଫଣ୍ଡିଂ ଆଉ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଉପରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲିଡର୍ ହେଇକି ବାହାରି ପାରିବ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ
गोटे रोल मॉडल है पारियो वर्ल्ड पाई आउ डेवलप्ड कंट्रीज मानको पाई कि केमिति क्लाइमेट चेंज टाको आमे हैंडल करा हबो काई बहुत गोटे कंट्रीज एबे अछंती जो माने चाहू चंती कि फंड करिवे कि ताक पाकर फंड्स नै अपन निजे ही जस्ट प्रशांत सर एबे कहिले कि टेक्निकली बहुत गोटे कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज हैव गॉन इनटू रिसेशन गोटे रिसेशनरी इकोनॉमी को टाइम केमिति फंड करिवो अपन क्लाइमेट एक्शन गुडा को डेवलपिंग कंट्री गुडा करे तो एई टाइम रे गोटे क्लाइमेट फाइनेंसिंग क्लाइमेट फंडिंग रो गोटे अल्टरनेटिव मेकानिजम किछ केमिति बना है परे भारत इतर गोटे बहुत माने प्रोएक्टिव रोल नै पारिबो जोंतर कि क्लाइमेट चेंज गोटे बहुत बडा फैक्टर रहिबो ओके सेकंड इंडिया एबे ग्लोबल साउथ रो गोटे हला बडे ब्राइट पोल भलिया द वर्ल्ड सीज इंडिया कि आपनकर पई इंडिया गोटे हला ग्लोबल साउथ रो हला गोटे बहुत इंपोर्टेंट कंट्री काहे कि आपन निजे ही देखिबे कि साउथ वाज मोस्टली कोलोनाइज्ड इन द आपनका 19th सेंचुरी 18th सेंचुरी साउथर्न हेमिस्फीयर वाज प्रीडोमिनेंटली कोलोनाइज्ड हां 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 एबे तांको कथा ग्लोबल अरिना रे सुना जाउन ओके तो भारत तांकर गोटे वॉइस हेई पारिबो जदि तांकर कंसर्न्स केमिति ग्लोबल रिसोर्सेस को मैनेज करा जइबो आ एई भलिया बैकवर्ड कंट्रीज माने लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज माने केमिति ए रिसोर्स गुडा को यूटिलाइज करके आगु को बढी पारिबे सेइटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट फैक्टर है पर इंडिया इतर गोटे बहुत प्रोएक्टिव रोल खेली परबो दुई ओके तीन रशिया यूक्रेन वॉर जको बहुत गुडे जिंसर शॉर्टेज हे जाइछि फर्टिलाइजर पल्सेस तो यार सप्लाई चेन केमिति आउथरे सेटल करा जाई परबो सो दैट फूड क्राइसिस न्यूट्रिशन क्राइसिस वर्ल्ड राव न रहो एटा गोटे या ऊपर डिस्कशन सेइ परबो आउ जो सर गोटे बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट कहिले कि जी जिंगपिंग आसिलेनी इंडिया को किंतु बाकी बड़ बड़ सम्मानित लोक माने सब आसी जानी जी जिंगपिंग कोटी ना कोटी रियलाइज करूचंती कि इंडिया रो क्लाउड ग्लोबल अरिना रे बहुत बढ़ी छी आउ मु धर आसुची से क्लाउड टाको मु आउरी असर्ट करूची आउरी बेसी बढ़ौची तो मु न आसिले बेटर कि मु घरे ही रहे मु चाइना रे ही रहे how I would like to undermine India's efforts in its role jothre sie gote bahut important part play kari paribo global arena seite mate personally feel houchi ki Xi Jinping seiti pai hi asinaanti ki sie jani chanti ki India ebe global arena re bahut upar ku asi jai chi okay India jemiti ki sir kahile ki already ame 8% growth ether ka touch kari che ha ha au di ta consecutive quarter re apan dekhibe china ra manufacturing index negative okay India bahut upar ku jai salani तो आपण बोलछु से माने चाइना से कारण रु ए G20 शिखर सम्मेलन रे भाग नै नै आपण नै चाइना पार्टिसिपेट करिछि किंतु ता प्रीमियर को पडे तांकर हेड ऑफ द स्टेट आसिना हां हेड ऑफ द मुख्य जी आसिना जे स्टेट कंट्री रो मुख्य से आसिना मुजी डॉक्टर प्रशांत साहू चाइना में रूसिया ए दुई जण पार्टिसिपेट करु नाहंती ए G20 शिखर सम्मेलन रे वर्तमान समय रे एवं जहां आपण टिके पूर्व कहुतले भारत जो लेवल को पहुचिबो ए G20 शिखर सम्मेलन परे निश्चय हमर से माने गुरुत्व तो देबे भारत को आसीबा नै वर्तमान स्थिति रे आपण कोन अनुभव करछनी काहे कि चाइना और रूसिया आसी पारिला नै बा एथरे तांकर राष्ट्र मुख्य काहे कि जोगो देले नै ए G20 शिखर सम्मेलन रे देखंतो रशिया केस रे त गोटे सिंपल रीजन होउची रशियन प्रेसिडेंट इज ओवरवेलमिंगली इन्वॉल्वड इन द रशिया यूक्रेन वॉर ओके तो ताको नारे भी अरेस्ट वारंट थिला साउथ अफ्रीका सेति पई से गले नै नॉट टू क्रिएट एन एम्बैरेसिंग सिचुएशन एवं भारत को मध्य से आसु नहां किंतु जदि आमे सी जिंगपिंग को कथा भाबीबा जे काही कि से आसले नाही देयर आर मल्टीपल रीजंस ऑबवियसली इफ यू रीड सी जिंगपिंग्स माइंड आपण देखिबे लास्ट जो ब्रिक्स समिट हेतिला जोहान्सबर्ग रे गत मास रे तो से समिट रे आपण देखिबे जदि बॉडी लैंग्वेज आपण देखिबे सी जिंगपिंग कर तले आपण देखिबे ही लुक्ड लिटिल अनसेटल्ड लिटिल कंफ्यूज्ड जेमकि देयर इज अ यू नो मास्क और फॉग एनगल्फिंग हिज माइंड किसी गोटे विषय रे से कॉन्फिडेंट नुहंती काहे कि आछंती कोन पई आछंती पूरा समयटा बितेबी कि नाही एते नै कि गोटे कन्फ्यूजन तांके बॉडी लैंग्वेज रु क्लियरली जणा पडुथिला ता सहित चाइना रे जो डिप्लोमेसी आपण देखिबे ब्रिक्स प्लस जो मीटिंग हला सेतिरे मुदो फेल कला काहे कि चाइना चाहुथिला पाकिस्तान को मेंबर करिया पई भारत चाहु नथिला चाइना चाहु नथिला इथियोपिया मेंबर हो भारत चाहुथिला तेणु ये देखिए इथियोपिया मेंबर है आउ पाकिस्तान है ना ये कौटि ना कौटी फिल है जे चाइनार जो डिप्लोमेटिक क्लाउड अच्छी ब्रिक्स रे काम करू ना इनफैक्ट ब्रिक्स जो अदर मेंबर्स अच्छा
से माने दे ऑल्सो डू नॉट लाइक द बुलिंग बिहेवियर ऑफ चाइना। चाइना रे जो बुलिंग इमेज एटा वर्तमान एते वाइड स्प्रेड परकुलेट डाउन हो गलाने तांकर जो वल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी तांकर जो सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक्स एंड टू पिकअप कन्फ्रंटेशन विथ ईच एंड एवरीबडी। ओके आपण साउथ चाइना से इंडो पैसिफिक रे देखंतु कहा सहित तांकर कन्फ्रंटेशन नाही सी रे लैंड रे आपण देखंतु कहा सहित कन्फ्रंटेशन नाही तेणु यही प्रकार गोटे नेगेटिव इमेज धरिकी सी जिनपिंग बर्तमान मार्केट में बुलूं जितेबले डोमिनेंस थिला केतरा एजेंसी रे केतरा ग्रुपिंग्स रे तांका डोमिनेंस लोक एक्सेप्ट करूथिले सेतबेले ताठ हमें कहि परबा G20 शिखर सम्मेलन रे से जोग न देबा पछर हमें कहि परबा तांका डोमिनेंस जो थिला ता धीरे धीरे कमीबा लागी छि जोरसर रे कमीबा लागी छि। आ जते जेहेतु वर्तमान इंडिया रो प्रेसिडेंसी रे जो ग्लोबल एजेंडा अछि ताकू पुश करिया पई धीरे धीरे जेमति कंसेंसस बिल्ड अप होछि आपण अफ्रीकन यूनियन रो मेंबरशिप कथा चिंता करन आफ्रिकन यूनियन रे 55टा कंट्री अछन्ती वर्तमान जदि आमे G20 रे फेयर रिप्रेजेंटेशन रो कथा उठैबा आफ्रिका रे 1.4 बिलियन पॉपुलेशन आपण जदि यूरोप को देखिबे यूरोप रे अराउंड 75 करोर पीपल तो सेमानंकर केतेटा कंट्री G20 रे अछन्ती जर्मनी अछि फ्रांस अछि यूके अछि व्हेयर एज ता सहित अपन यूरोपियन यूनियन रो मेंबरशिप अछि से देयर इटली अछि देयर डबली रिप्रेजेंटेड किंतु आफ्रिकन यूनियन रो गोटे मात्र कंट्री मेंबरशिप हो साउथ अफ्रीका व्हेयर एज रेस्ट जो 1.4 बिलियन पॉपुलेशन तांकर फेयर रिप्रेजेंटेशन नाही तेणु वर्तमान जहाँ जना पड़े जोटा इंडिया लास्ट 6-7 मसला पुश कर आसूची जे G20 रे एथर आफ्रिकन यूनियन को परमानेंट मेंबर करा जीवो परमानेंट इनवाइट से माने अछंती परमानेंट मेंबर करा जीवो तेणु मोस्ट प्रोबेबली या विषय कंसेंसस ड्र हि सारिलानी यूएस इज ऑलमोस्ट रिसेप्टिव अबाउट द आईडिया एवं चाइना को नै को लागूची जदि यह होची इट वुड बी अ ग्रेट विक्ट्री फॉर इंडिया ग्रेट विक्ट्री फॉर इंडिया निश्चय हमरे मुझे इमोस भवत स्पति अछंती वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ भवत स्पति वास्तव रे आ गोटे कथा हो जे शिखर सम्मेलन आधार रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 राष्ट्रर नेता मानक सह द्विपाक्षिक आलोचना करिवार मध्य कार्यक्रम रहिछि 15 राष्ट्रर मुख्य वास्तव ए जो 15 राष्ट्र मुख्यक सह आलोचना करिवे प्रधानमंत्री विशेष करि किन किन दिग उपर हुए त गुरुत्व देई परंत ए आलोचना एवं ए आलोचना केते दूर आम पई बा आम देश पई गोटे गुरुत्व बहन करिवे आगामी समय रे देखो आज का डेट रे इंडिया गोटे ए भला इकोनॉमी जो थे समस्त इन्वेस्ट करिया चाहिए ओके काई ता पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर ता बहुत बेसी आ अपन जो वैल्यू फॉर मनी रेट ऑफ रिटर्न इज वेरी हाई आरओआई तो काही की सब कंट्री माने जति अपन या भीतर कुआ जाउ छी दे आर डेवलप्ड नेशंस किंतु इन रियलिटी सब प्राय सब कंट्रीज दे आर डूइंग एक्सट्रीमली पुअर इन द इकोनॉमिक टर्म्स दर सेति की पैसा से माने तांको निजो इकोनॉमी रे लगेबे मे बी तांको पैसा सेति की रिटर्न आसीबो नाही ओके किंतु इंडिया गोटे एबले ब्राइट स्पॉट जोडी सेही पैसा ता धरा लगेले त तांको सेति रिटर्न आसी परिवो बीट मैन्युफैक्चरिंग बीट टेक्सटाइल्स बीट एग्रीकल्चर धर इंडिया रे इन्वेस्ट करा जाउची इंडिया रो रिटर्न्स बहुत हाई तो ई सबु कंट्रीज कैन बेनिफिट तांको पाखर टेक्नोलॉजी अछि ओके आमो पाखर मैन पावर अछि तो दीटा जंकर धर सम्मेलन हे जीवो द्विपाक्षिक आलोचना अच्छी 15 राष्ट्र मुख्य विशेष कर दिग उपर देखिए बहुत गुडे कंट्री चाइना रे डेट ट्रैप रे पसी जाइछंती बाहर करा जिवो कोई कांग हम भारत प्रति तांकु आकृष्ट करा जिवो सेटा गुटे लक्ष्य रहबो मध्य निश्चय रे श्रीलंका पसी जाले बांग्लादेश इज ऑन द वर्ज नेपाल रे इकॉनमी पूरा बर्बाद हेकी अछि एमदे बहुत इकॉनमी इवन यूरोपियन इकॉनमीज भी देखंतु ग्रीस वाला भी बहुत लोन नेइछंती इटली रे पोर्ट बना जाउछि त इगुडा कोन ए माने दीज आर ऑल सिंबल्स ऑफ योर बैंकरप्सी ओके काली को ए सब जिंसर केमिति बाहरिबे आपण देखिबे इंडिया रो फॉरेन पॉलिसी वाज नेवर प्रेडेटरी ओके किंतु चाइना रो फॉरेन पॉलिसी सर जो पॉइंटा कहिले कि पूरा पर एब्सोल्युटली प्रेडेटरी एसेंशियल निश्चय रे तांकर माने गोटे विश्व रो गोटे मंगल हो बोली कि तांकर केबे थॉट्स नाही हमर कोन जा फॉर ए कंट्री गुडी को विभिन्न समस्या सम्मुखीन होई गेले चाइना जोगु किछि कहि पारु नांती काहे कि डिपेंडेंस बहुत बेसी अछि निश्चय रे किंतु भितरे गोटे तांको भितरे भी गोटे एंटागोनिज्म रहूची चाइना प्रति okay. माने पूरा एबे ही गोटे सर्वे करा जायतला जोतरे की वर्ल्ड रो व्यूज पचरा हेतला चाइना बिसरे एंड इट वाज एक्सट्रीमली नेगेटिव ओके आ इंडिया बिसरे जतरे पचारथले ए पीडब्ल्यू रिपोर्ट रे आपण देखे मोदींकर अप्रूवल रेटिंग्स वर सो हाई ओके काहे की इंडिया गोटे पॉजिटिव मेसेज वर्ल्ड को दोची
आमे वैक्सीन डिप्लोमेसी करी की हाँ। आमे ग्लोबल साउथ कोन आउरी एते गोडे डेवलप्ड कंट्रीज को भी केते प्रकार सहायता करछु निश्चय रे डॉक्टर प्रशांत साहू जो था कहथले की वर्तमान चाइना रो जो स्थिति अछि विभिन्न देश गुडी को चाइना रो फॉरेन पॉलिसी को आधार कला परे जो समस्या वर्तमान समय सम्मुखीन होइछन्ते एवं या ए शिखर सम्मेलन बहु आगुरु मध्य कहा जाउथला चाइना रे जो माने इन्वेस्टमेंट करिछन्ते जो माने तांकर इंडस्ट्री स्थापन करछन से माने चेष्टा करछन भारत को चली आसीबा पई तें वर्तमान समय रे ये जो G20 शिखर सम्मेलन एटा आउ गोटे पाद ए दिगरे आगु को बढ़ेब निश्चय भाव में जितेबले चाइना रा फॉरेन पॉलिसी को नहीं विभिन्न कंट्री गुड़िक समस्या सम्मुखीन होते भारत को आसवापी योजना करुले समय G20 शिखर सम्मेलन आउ टे सहायक हम देखो कथा है आप चाइनार इकोनोमी को देखिए हाँ चाइनार इकोनोमी अलमोस्ट बोध डिक्लाइनिंग स्टेज आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रे ग्रोथ ना नेगेटिव ग्रोथ हाँ आपर कंस्ट्रक्शन कंपनी देखिए सब प्राय बैंक्रप्सी फाइल करुड चेन आउटलेट गुड़ा बैंक्रप्सी फाइल कर बैंक गुड़ाक सब बैंक्रप्सी फाइल कर डिजल हो तेणु एवं टोटल ओवरऑल डेट जदि आप देखिए पब्लिक प्राइवेट मिसिकी पाखापाखि 53 trillion dollars तेणु बर्तमान चाइनीज इकोनोमी फ्यूचर भी अल्सो नॉट एनकरेजिंग जो कंट्रीज माने कंट्री जो स्थिति अच्छी बर्तमान आम जो समय गोटे आलोचना करते कि मस पूर्व कि अनेक कंट्री चाहूँ भारत को चली आसपा से बिजनेस करुँचा इंडस्ट्री को भारत को नहीं आस योजना करय G20 शिखर सम्मेलन यही गोटे सुहाइब निश्चय भाव से कंट्री आम तो डेफिनेटली शोकेस करुना हाँ। भारत जो स्ट्रेंथ आम प्रथम कथ है भारत गोटे मोरालिस्टिक इमेज अच्छी दैट इंडिया विल नेवर गो इमोराल ओके चाइना जमी बहुत कंट्री टेरिटरी को क्लेम करुच्छे सलामी साइसिंग प्राक्टिस यूज करुच्छे कौटी माड़ी जाऊँच कौटी आर्टिफिशियल आइलैंड एस्टाब्लीश कर दूसरी ए प्रकार एक्टिविटीज एटीट्यूड बेलिग्रेंट यू नो पिक्चर जोड़ा से आटलिस्ट इंडिया तो प्रेजेंट करूना अतीत में प्रेजेंट करना तेणु आम जदि ओवरअल जिनस देखा तो आम देखा जे प्रथम कथा इंडिया इकोनोमी हूँ प्रोमिजिंग आम पाखे स्किल्ड लेबर फोर्स अच्छी आमर डेमोक्रेसी एवं आमर जो डेमोग्राफिक डिविडेंड अच्छे अनादर 70-75 इयर्स पर्यंत रहा चाइनार जो मैन्युफैक्चरिंग आप देखते कोविड समय भी आप देखिले चाइनार टोटाल बिहेवियर यदि आप कोविड समय देखिए इट वाज डेफिनेटली नॉट एक्सेप्टेबल टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी से लोकालाइज कराई था लोकाली से तार स्प्रेड को रेस्ट्रिक्ट कराई था किंतु चाइना ता कला ना इनफैक्ट तापर कौन से इन्वेस्टिगेशन रे कोऑपरेट कला ना आउ जो फेक वैक्सीन देकी गुड़ाए कंट्रीज को बहुत हैरान करी आपड़ ओवरऑल देखिए चाइना को कहीं ट्रस्ट करूना किंतु जेहेतु किसी अल्टरनेटिव मेकानिजम आभेलेबल ना ये G20 फास्ट फोकस हो कौन क्लाइमेट को छाड़ी क्या क्लाइमेट एथिपे फोकस बिकज क्रेडिट फाइनेंस मध्ये गोटे गुरुत्वपूर्ण दिग रहउछ छै मध्ये क्लाइमेट फाइनेंस कथा जोडा कहउछन्ती तार एथिपे जे काई किना क्लाइमेट इंड्यूस्ड पॉवर्टी बढुछि ना ओके जे बारंबार बारंबार नेचुरल कैलामिटीज हबो लोक धीरे धीरे पॉवर्टी अधिक अधिक जिवे जो जो जगह रे कने सब धन जीवन नष्ट हबो निश्चय तेनो जो अल्टरनेटिव मेकानिजम दरकार जो गोटे वर्ल्ड वाइड फंड रे आवश्यकता अछि सेति भई फोकस जे आमे जो वर्ल्ड बैंक रो डेवलपमेंट प्रोग्राम अच्छे एक्सपेंड कर पारा वर्ल्ड बैंक रो फंड साइज को कैपेसिटी को बढ़े पारा तेणु जदि आम करवा जो कंट्रीज मैंने चाइनार डेट ट्रैप रे फसुच्च एटलिस्ट फसबे ना संख्या कम चाइनार भी बर्तमान आलोचना होने दिग रही से दिग्क नहीं आलोचना मुझे पुणी भक्त स्पति आपको चाहिए बास्तव में आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथ हूँ आमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन आनेक प्रशंसा करसंघ में भारत स्थायी सदस्यता को मध्य से समर्थन देखते वर्तमान समय तेरे ये जो G20 शिखर सम्मेलन अमेरिका रो जो हिसाब से समर्थन भारत प्रति आसूची ये आगामी समय भारत पर कौन सब दिग प्रति सहायक हो कौन सब दिग प्रति विशेष फायदा पाईपर भारत से क्षेत्र में देखो तो लास्ट टाइम भी आम डिस्कस करते कि वि शुड बी कॉशियस अबाउट अमेरिका हाँ कहीं दुनिया धर सब मतलबी देश किए अच्छी तो से अमेरिका तो एबे तांकर बहुत दरकार अछि इंडिया रो से माने भी गोटे इकोनॉमी व्हिच इज गोइंग डाउन तांकर भी एबे बहुत रिक्वायरमेंट्स अछि जोडा के इंडिया ही फुलफिल करि परिबो तांकर निजर वैक्सीन कथा देखंदु तांकर जो फाइजर वैक्सीन आसला तार एफिशिएंसी बाहरला अराउंड 30% किंतु इंडिया रे आज पर्यंत अमर जो वैक्सीन्स बनाई तार एफिशिएंसी ऊपर केही आज पर्यंत क्वेश्चन करि नाहंती ओके हां आ मोदी कर जो बोले क्लाउड अछि गोटे भाबंतु आमे 2013 रे डिस्कस करथले कि शुड इंडोनेशिया बिकम अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स एंड इंडिया शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम BRICS ठीक है हां माने इत्ते खराब इकोनॉमिकल कंडीशन था मनमोहन सिंह अंडर रे हां
इट वाज ओनली नरेंद्र मोदीज लीडरशिप जोटा कि आज इंडिया को सही ग्लोबल फोरफ्रंट को नहीं आसी अमेरिका भी जानी ये जिनस कि इंडिया काली को बहुत आग को जीव एबे तीन नंबर एबे पांच नंबर रे अच्छी आउ किछि मास पर चार नंबर को जीव एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि 2031 सुधा में तीन नंबर को भी पहुंच जाई पारिबा तो एई बडा गोटे रोबस्ट इकोनॉमी को अपन भावंतु अमेरिकन कंपनीज माने केमिति मिल्क करि पारिबेनि अमेरिकन इंटरेस्ट आर मोर इकोनॉमिकल देन स्ट्रेटेजिक से माने सब आड़े वर्ल्ड ओवर तांकर स्ट्रेटेजी परे आसी आग तांकर इकोनॉमिक इंटरेस्ट आसी जाय छि तेल खनिज माइंस यही सब जिन आग आसे बट इंडिया एबे एट दिस पॉइंट इन टाइम अमेरिका सहित गोटे बहुत भल रिलेशनशिप हो पार जोटी इंडियन टेक्नोक्रैट्स इंडियन टेक्नोलॉजी इंडियन इंजीनियर्स इंडियन डॉक्टर्स अमेरिकन टेक्नोलॉजी सहित अमेरिकन मैन पावर सहित अमेरिकन कंपनी सहित कोलाबरेट कर अमेरिकन फंड सहित फंड तो अच्छी गोटे वर्ल्ड गोटे बहुत भल जिन पार खाली कोलाबरेट सुदर्शन छुट्रे अच्छा सांबादिक सुदर्शन छुट्रे वास्तव में जी ट्वेंटी सम्मेलन आरंभ हो कहे विश्वर नेतृवृंद मान गोटे मेली बर्तमान भारत में होती गोटे आम कहे कूटनीतिज्ञ महाकुंभ कूटनीतिज्ञ मान महाकुंभ गोटे आरंभ हो आपण हिसाब से जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन भारत को के हिसाब से फायदा मिल पार ये गोटे शिखर सम्मेलन भारत में आयोजन होगा फल माने पृथ्वीर जो एमर्जिंग माने जो ऑलरेडी डेवलप्ड इकोनॉमी आउ एमर्जिंग इकोनॉमी देश जो माने ऑलरेडी अर्थनीति क्षेत्र में प्रोग्रेस करुछंती आज पृथ्वी रे बा मेजर इकोनॉमी कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड इकोनॉमी ताई को करुछंती सेई मानकर गोटे मेली हम निश्चित भाव रे भारत वर्ष जेहेतु प्रेसिडेंसी वर्तमान जी ट्वेंटी रो अच्छी भारत वर्ष रे भारत रे होउछि इवेंट तेणु भारत विशेष करिकरी भारत इंटरेस्ट हूँ भारत कौ कौ क्षेत्र जो आइडेंटिफाइड सेक्टर रे हमें कौन कौन इन्वेस्टमेंट मोबिलाइज कर पारे जमी किसी लिस्टेड 20 कंपनी आम लिस्टेड कराई जो थे सपोज फार्मासी आमर कि मानुफैक्चरिंग कि न्यूक्लियर पावर ये सब क्षेत्र में आम आई टी ए सब क्षेत्र में कौन कौन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आसपार इवेन आपणकर स्टील इंडस्ट्री कि अन्य सब इंडस्ट्री आसपार आउ इंटरनेशनल कोऑपरेशन केते बढ़ी पार से गोटे मेजर कथा आप देखो तो आज जी ट्वेंटी जो देश अच्छा उन्नीसटा देश प्लस यूरोपियन यूनियन एम पृथ्वी 60% पपुलेसन को रिप्रेजेंट कर 80% ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट एक आसू 75% हूँ ग्लोबल एक्सपोर्ट जहाँ रप्तानी होेणु ये सब क्षेत्र में मानते पृथ्वीर गोटे बड़ यहाँ गोटे इकोनॉमी ब्लॉक तेणु आपको स्ट्रेंथन करने विभिन्न समय उद्यम करदिओ प्रत्येक देशर निजर इंटरेस्ट अच्छी अमेरिका चाहिए पृथ्वीर जो पोस्ट कोल्ड वार सिचुएशन रे समस्त को एकाठी कर गोटे मंच में आने पर अमेरिका सब उद्यम कर सो दैट अमेरिका प्रति पृथ्वी कौन सी थ्रेट रही सेकेंड कथा हूँ अमेरिकार इंटरेस्ट सुरक्षा हम हार्ड अमेरिकार इकोनॉमी इंटरेस्ट बा अमेरिका आर्थिक दिग्वर जो बिजनेस एक्सटर्नाल टाई कर पार एक्सपोर्ट करसब कथा अमेरिकार इंटरेस्ट रही अमेरिकार उभय जिओ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी रही दृष्टि अमेरिका चाहूँगी समस्ते एकाठी आसतु किंतु जेहेतु रूस राष्ट्रपति चाइनार राष्ट्रपति आसुना से दृष्टि मानने जो कंट्रीर जी इम्पोर्टेन्स रहा कथा आज दिन में गोटे इम्पोर्टेन्स केते मात्रा कमी जेहेतु भारत दौचे आम समस्ते गर्वित आम देश में हूँ पृथ्वीर सबू देशर प्रमुख राष्ट्र मान मुख्य मान आसुँच तेणु मत लगुच दीटा दिग गोटे हूँ इंटरनेशनली क्लाइमेट चेंज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमिक इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन रे कौन कौन सब एग्रीमेंट कॉमन दृष्टिभंगी आसुची द्वितीय कथा हूँ भारत सांगे बायलेटरल जो द्विपाक्षिक संपर्क जो बैठक हम इवेन अमेरिका राष्ट्रपति भारत प्रधानमंत्री
कि ब्राजिल रो राष्ट्र मुख्य संगरे कि फ्रांस रो कि इटली को इंग्लैंड रो राष्ट्र मुख्य मान संगरे भारत रो जो 1-to-1 भारत रो प्रधानमंत्री को कथाबार्ता हबो सेतरे हमर द्विपाक्षिक संपर्क आउरी उज्जीवित हबो आउरी शक्तिशाली हबो आउर आगो को बढ़िबो आ गोटे लंबा फ्यूचर पई गोटे जो कोन लॉन्ग टर्म कोआ होची माने दीर्घकालीन भारत रो लाभ पई आमे इंडिया रे इंटरेस्ट पई ए कथा आगो को बढ़िबो निश्चय भाव धन्यवाद देवी सुदर्शन छोटे आपंकर सूचना पाई सहित सुदर्शन छोटे थे बड़ी सांबादिक जहाँ सूचना दूसरे कि भाव में जी ट्वेंटी सम्मेलनी आम देश विभिन्न क्षेत्र में जो सब सुविधा रोचे और विभिन्न क्षेत्र किभ सहयोग कर सम्मेलनी नहीं जहाँ सूचना दूसरे मुझे पुणी फेरबी मो डर प्रशांत साहू अच्छा डॉक्टर साहू आउ गोटे कथा देखा यो जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन हूँ ये भारतर विभिन्न राज्यर स्टल लगी जो ओडिशा कथा देखा ओडिशार हस्तंत अच्छी चांदुआ अच्छी एमती विभिन्न राज्यर जो सब आकर्षण से सब उपस्थापन कर स्टल जरिया विश्वर नेतृवृंद सम्मुखें भावुंत या द्वारा आम कूटनीति कथ आलोचना करें देशर आर्थिक स्थिति कथ देखिले जहाँ सब उपरे जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन होर्तमान समय जो कथ मुझे जो विभिन्न राज्यर आम देशर ओडिशा भिन्न राज्यर जहाँ सब रही गुरुत्वपूर्ण दिग चांदुआ कथा कहली वर्तमान समय ये स्टल गुड़िकठे पड़ी जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन से अन्य देशर मुख्य मान से सब देखिए या द्वारा ओडिशा भली जो राज्य गुड़िक अच्छा जो मान स्टल लगी सेठे से सब राज्य गुड़िकर अर्थनीति क्षेत्र में गोटे नुआ जुग आरंभ हम बोले आम कहीपर इंडिया जो डाइवर्सिटी अच्छी हाँ से डाइवर्सिटी आउ जो कल्चरल रिचनेस अच्छी हाँ दैट टू एत बड़ कंट्री रे केते राज्य अच्छा राज्य रे विभिन्न प्रकार टाउन्स अच्छा हाँ से सब लोकंर जो कल्चरल स्ट्रेंथ अच्छी शोकेस करिवार निहाती आवश्यकता अच्छी कहीं आप देखिए कलोनियल पीरियड रे याकू सब दबी रखा जाऊला याकू सब नष्ट करा जाऊला एवं केमिति यहा पृथ्वी को विश्व को न देखा जाऊ तार संपूर्ण व्यवस्था कराई पोस्ट कलोनियल एरा रे आपण देखिबे इमिडिएटली आपर इंडिपेंडेंस मध्ये सबले सही एफर्ट थिला जो प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर आसे से ताजमहल जिबे सेठी गोटे फोटो उठिकी तापर फेरि जिबे हां 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 ए प्रकार जो नॉनसेंसिकल एटीट्यूड थिला से समय रे गवर्नमेंट रो गवर्नमेंट मानकर सेतेबेले आपण देखिबे जो इंडिया रा कैना गोटे गोटे देश हां केते इकोनॉमिकली पोटेंशियल तार अछि सेटा को प्रदर्शन करि पर वर्तमान समय तार हिस्ट्री जणा पडिबो तार कल्चरल स्ट्रेंथ रु जणा पडिबो तार सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ रु जणा पडिबो तनो आमो पाखरे एबे आपण देखंतु सारा ओडिसा पई गोटे गर्वर मुहूर्त इनफैक्ट सोशल मीडिया रे देखिबे नेक्स्ट 15 20 दिन मास जाय घुरी बुलिबो ए प्रथम कथा देला प्रधानमंत्री समस्त को स्वागत करुछंती नैपथ्य रे बा बैकग्राउंड रे कोणार्क रे हमर जो व्हील अछि से व्हील रे पिक्चर अछि खास करि तले जो बाइडेन आसीले नरेंद्र मोदी महोदय स्वागत कला बेले कोणार्क व्हील विषय रे तांकु बुझेले तार इतिहास तार सिंबॉलिक वैल्यू बुझेले विभिन्न देशर मुख्य माने आसुथले पूर्व जिनस गुडाक ए जिनस गुडाक डेफिनेटली गोटे एक्सपोजर दबो जो फॉरेन डेलीगेट्स माने आसुथंती तांकु एक्सपोजर दबो तांकु ए कथा जणैबा पई जे इंडिया माने खाली दिल्ली नुहो इंडिया इज नॉट लिमिटेड टू दिल्ली इंडिया रे जो रिच कल्चरल डाइवर्सिटी अछि ताहा एक्चुअली बियॉन्ड दिल्ली आपण जते भीतर को पेनिट्रेट सेते अछि कने आपण देखियो तले जते बेले भारत कहिला प्रपोजल देला जे G20 रो विभिन्न वर्किंग ग्रुप्स गुडाक जो अछि तारा मीटिंग आमे 200 टाउनशिप रे करिवु 200 टाउनशिप 200 सिटी रे प्रथमे त आगे G20 रे जो मेंबर कंट्री माने छन आश्चर्य हेले एत्ते गुडाक टाउनशिप पूरी मेजर मेजर टाउनशिप 200-200 आपण जर्मनी जीबे आपण निश्चय भाबे आमे कहि परबा भारतर आउ जो सु दिगो गुडी क थिला जें विभिन्न राज्यर तांकर सब रछि जें ओडिसा कथा आमे चांदुआ कथा कहूचे कोणार्क कथा कहू सब राज्यर सब राज्य हां सिमति भारतर जते सब राज्य छि से सब विषय रे मध्य ए विश्वर जो नेतृवृंद मन आसे से माने वर्तमान जानिबा को पाइबे जानिबा को पाइबे जो ता जो ता के सर जाई प्रचार करू छोटरे कहूतले जो कथा कि विश्वर अर्थनीतिर 85 भाग ए माने कंट्रोल करछन एवं 75 भाग हूँ रप्तानी मानक द्वारा हूँ तेनाली वर्तमान समय में जेहतु विभिन्न राज्यर जोड़ा सब गुरुत्वपूर्ण अच्छी जमी चांदुआ ओडिशा अन्य राज्य जो सब अच्छी जहाँ बर्तमान आम कहीपर यही राष्ट्र मैंने जेहतु रप्तानी क्षेत्र में गुरुत्व दौरान बर्तमान ओडिशा होड़शा भाई जो सब राज्य गुड़िक चांदुआ भाई अन्य सब राज्यर गुरुत्वपूर्ण जहाँ सामग्री तार बर्तमान एक्सपोर्ट आहरी बढ़ी संभावना सामना को आसुच्छे देखो सरकार पॉइंट गोटे एक्स्ट्रा जिन कहते जी ट्वेंटी लिफलेट टा बाहर थिला से आमर सब महान राजा मान विषय भी
पूरा वर्णन थिला जो थे खारवल ना भी थिला एटा आगो का टाइम रे एगुडा माने अनबिलीव माने विश्वास ही करियो माने कि भारत रो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स विषय रे एते जिंस आ एते डिटेल कुआ जाउची फॉरेन डिग्निटरी मानु को सब बेले ही अमरो फॉरेन पॉलिसी वाज दिल्ली सेंट्रिक और लेट्स से नॉर्थ इंडियन सेंट्रिक सही जगह रे ताजमहल कुतुब मीनार एटी सॉरी वाला अमर इंडियन आर्किटेक्चर इंडियन कल्चर इंडियन हिस्ट्री एटी सॉरी वाला भारत रो विभिन्न राज्य जो हस्तकला आछि से हस्तकला सामना को आसी पारु नथिला विश्व दरबार एक्जेक्टली हमरो हैंडीक्राफ्ट्स रो जति की माने भाबिनियो तो पोटेंशियल अछि हां माने हमरो मैक्सिमम ऑफ द हैंडीक्राफ्ट्स आर सस्टेनेबल सबुटो बडो जंस निश्चय हमरो जति की आमे आर्ट कल्चर जति की आनी छु मोस्टली एमिति आनी छु कि जोटा की नेचर हमगो दै छि आमे नेचर तो सिखि की बनेवा स्टार्ट करि छु ओके म ट्राइबल मानकर जति की आर्टिस्टिक प्रोसेस अछि माने पते विश्व रे कारी पाखरे नथिबो किंतु एगुडा सब कोथरे बना छि घास भाबि नियंतु हां गछर छाल हां त एमिति बहुत जिंस अछि जोटा की विश्व भी जानी पारिबो कि इंडिया रे एक्चुअल रे 2000 4000 वर्ष पूर्व रो इंडियन लोक माने एगुडा सब बनै आस्तले ओके आमे आजिका डेट बाबुचंदी आगुरो ए जो भारत रो विभिन्न राज्य रे जो हस्तकला अछि बा जको हैंडीक्राफ्ट कहउछंती बा जो हस्तकला कु नेकी विभिन्न राज्य ता ना को परिचय दे पारि छि भारत रे वर्तमान समय में कहि परबा एमिति गुटे सुजोग मिलि नथिला राज्य मानकु कि निजर हस्तकला को सारा विश्व दरबार रखिबा पई आजि गुटे सुजोग मिलु तंकु आजि गुटे खाली हस्तकला न हस्तकला विथ अ मॉडर्न आउटलुक ओके ताहले सेटा एक्सपोर्ट हे परबो दी जने जते कोलैबोरेट करिए फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी इंडिया रो भाबिनि तो हस्तकला रो टेक्नोलॉजी इंडिया रो ओके किंतु डिजाइनस तांकर तो एई बेला सेक्टर कोलैबोरेशन जितले हेई परिबो तो भाबी नियंतु हमरो ग्रास रूट डेवलपमेंट हेई परिबो एटा गोटे बहुत बड़ो एवेन्यू हमरो एक्सपोर्ट्स रो जोतरे की आपन देखिबे शहर को जिबा दरकार नै गां गां रो लोक जिंस बनेकी पठेई परिबे भारत आउ चाहुनी की बड़ो बड़ो शहर बनु से चाहु छै कि डिफ्यूज्ड ग्रोथ केमिति हबो तो हैंडीक्राफ्ट गोटे सेक्टर जोटा की पूरा पूरी डिफ्यूज्ड ग्रोथ को प्रमोट करे तो एई पर्टिकुलर प्रमोशन गुडा के सब स्टेट रो जो सब भलो जिंस अछि ताको गुडे बहुत बडो पुश मिलिबो आ एटा बहुत भलो एटा गुडे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भी आपण देखि मोदी को सबले कुआ जिया कि से हला डिक्टेटर किंतु आपण देखो तो सब राज्य को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाय छि समस्त निजो भलो जिंस टा को प्रेजेंट करू छन ओ या तो भलो जिंस कोन हे पारे भारत पै निश्चय इट शोस अ यूनाइटेड इंडिया निश्चय रे डॉक्टर प्रशांत साहब भाबुछन वर्तमान आमे देशर अर्थनैतिक कथा आलोचना करथले वर्तमान जदि राज्यर ए हस्तकला गुड़िक तार रप्तानी बा जो एक्सपोर्ट विषय में आलोचना करते अधिक मात्रा बढ़ी राज्य गुड़िकर अर्थनीति राज्यर जो ग्रामीण अर्थनीति अनेक भाव में विकास कर G20 शिखर सम्मेलन पर देखो गोटे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आम जो ब्रांड इंडिया को सेल करने को चाहते ताले ब्रांड इंडिया केवल जो टाटा रिलायंस माने नुहंती ओके हां ब्रांड इंडिया हम जदि सेल करिया को चाहुचंती ताले आमर भारतर जो कला संस्कृति को नेइकरी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पास्ट ईयर मानकर हेइथिला एवं हेइथिबारु सेतेबेले जो सो कॉल्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी त नथिला हां ताले आमर भारत केमिति गोटे लंबा समय धरी 1700 1800 वर्ष धरिकरी मोर देन 25% वर्ल्ड जीडीपी प्रोड्यूस करथिला ओके तेणु सेटा को जदि आमे डेमोनस्ट्रेट करिया को चाहुचंती ताहले जो संस्कृति जो परंपरा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी भारत को एते बड़ा परसेंटेज रे जीडीपी ग्रोथ पूरा वर्ल्ड को देई परुथिला ताकू रियली डेमोनस्ट्रेट करिया को पड़िबो कहीं ना एई जो हैंडीक्राफ्ट हैला जोडा को विलेज इकोनॉमी बेस्ड प्रोडक्ट हैला एई माने ही आगुरु भारत को समृद्ध करथिले एवं सेइथिरु ही आपण देखंथु आजर डेट रे विश्व दरबार रे आपण जदि कोणारकर व्हील को देखै परुछंती आपण मते कोहंथु सेमतिया गोटे व्हील सेमतिया आर्किटेक्चर आ कोठे अछि वर्ल्ड रे आ एटा तयारी हेइतला आज को 1200 वर्ष तळे तेणु मोर कहिया कथा जे देखंथु प्रथम कथा तहला एइथर एइ जो G20 रो मेजर फोकस होउछि कोन पॉवर्टी इरेडिकेशन आउ क्लाइमेट एक्शन बा क्लाइमेट चेंज जो कु नेकि जो प्रॉब्लम होउछि आमे जदि भारत रो शिल्पकला को देखै परुछन ट्रेडिशनल शिल्पकला जोटा कि आगरु एनवायरमेंटली सस्टेनेबल थिला एवं ताकु जदि आमे देखौछंती तहला आमे एक कथा बारंबार प्रूव करिया को चाहौछंती वर्ल्ड कम्युनिटी आगरे जे आपण माने जो नुवा कथा कहौछंती क्लाइमेट चेंज होगी जो ग्लोबल एक्शन क्या कहते ऑलरेडी आमर डे टू डे लाइफ रोटे एम्बेडेड पार्ट थिला तेणु से जो चिंताधारा ऑलरेडी आम भितर अच्छी सेकेंड कथा है ला,
जे आ गोटे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक एथर डिस्कशन अच्छी जोटा हूँ इनक्लूसिव ग्रोथ ये छटा एजेंडा अच्छी गोटे इनक्लूसिव ग्रोथ आपत मतलब कहतु आम जो इनक्लूसिव ग्रोथ कथा कहते आम से कौन इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एक्सेस आपत मत कहतु जदि सारा पृथ्वी एवं जो रिच आउ पुअर डिजन हो रिच पुअर डिजन में कौन है रिच लोक मैंने मोर मोर वेल्थ आकुमुलेट करुँच कहीं टेक्निकल नो हाउ अच्छी दे हाव एक्सेस टू टेक्नोलॉजी दे हाव एक्सेस टू मैनेजरियल स्किल दे हाव एक्सेस टू एक्सपर्ट एडवाइस दे कैन हायर स्किल्ड पीपल एक्सेट्रा एक्सेट्रा से माने मोर मोर रिच होती आउ जो मैंने पुअर अच्छा यही प्रकार एक्सेस ना बोलिकी से पुअर रू पुअर होती कि गोटे समय चिंता करूँ जदि आम वर्ल्ड को एमती डिवाइड करवा 2% अफ द रिच पीपल 98% अफ दि पुअर पीपल जदि यही पिक्चर आम प्रेजेन्ट कर ताले से जो 2% रिच अच्छा से फर्दर रिच केमती हे जदि रेस्ट अफ दि पीपल आर पुअर एंड रेस्ट अफ दि पीपल आर नॉट हैविंग दि बाइंग कैपेसिटी एंड दि इकोनॉमिक कैपेसिटी तेणु ये डिक्लाइन बर्तमान देखुं वेस्टर्न डेवल सो कॉल्ड डेवलप्ड इकोनॉमीज तार रीजन हूँ या बिकज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे डिनाइड मार्केट एक्सेस टू दि पुअर कंट्रीज एंक पाखे जो कंपिटेटिव प्रोडक्ट थी कौटा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से मार्केट एक्सेस देने ना जो डब्ल्यूटीओ पतन है लास्ट 15 वर्ष डब्ल्यूटीओ ना भी कहीं उठाऊना आपण भी वर्ष वर्ष धरिकी टी चैनल डब्ल्यूटीओ वार्ड थे प्रोनाउंस करना कि विषय में गोटे स्टोरी देखना कौन चैनल देखना तार कारण हूँ इट इज नाउ अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से जो ग्लोबलाइजेशन रो एडवांस करते आइडियोलॉजी जे से आर डेस्टिनी से आइडियोलॉजी को से नेगेट कले तेणु वर्तमान कंटेक्सट जदि आउ थे ग्रोथ दरकार दे हाव टू एम्पावर इकोनॉमिकली एम्पावर द पीपल ऑफ द पुअर स्टेट जो कहते हैं भारत वर्तमान ग्लोबल साउथ रो वॉइस टाकू सबु मेंबर दे वर वेरी केयरफुल कहीं कि पूरा वर्ल्ड बंटी दि भाग रशिया को सपोर्ट कर यूक्रेन को सपोर्ट करते तो गोटे जॉइंट डिक्लेरेशन गोटे एमितिया मिडल पाथ नबार जो नाइदर यू आर क्रिटिसाइजिंग रशिया नाइदर यू आर सपोर्टिंग यूक्रेन तो से माने गोटे ह्यूमैनिटेरियन एंगल रो गोटे जॉइंट डिक्लेरेशन कले जो थे कि समस्त पक्षटा रखाला तो एथरक भी मोर आशा अच्छी कि एथरक भी जॉइंट डिक्लेरेशन कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऊपर रहिबनी रादर सिंस इट इज बीइंग लेड बाय इंडिया इट विल बी समथिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट आउ जो थरे कि किछि गोल्स सेटअप हबो जी 20 रो जो थरे से माने किछि एक्शनेबल गोल्स नेक्स्ट ईयर पई से माने सेट करिवे तो सेही हिसाब रे किछि जॉइंट डिक्लेरेशन हेई पर कि आगु को से माने कोन करबा को चाहौ जदि रादर देन जा हेई सारी छि कि कोन प्रॉब्लम्स अछि ता ऊपर जो डिविजन्स को माने भाबि नहुं तो गोटे मॉडरेट करि कि गोटे जॉइंट डिक्लेरेशन करिबे अपेक्षा मु पर्सनली भाबुची कि एथर जॉइंट डिक्लेरेशन विल बी ऑन अ पॉजिटिव नोट एंड इट विल बी मोर ऑन एन एक्शनेबल एजेंडा फॉर द फ्यूचर जीबी डॉक्टर प्रशांत साहब बस ये जो जॉइंट डिक्लेरेशन को हम आलोचना करूचे कोन जणा पड़ती जते बे चाइना आउ रूसिया आसी नहांती तंकर राष्ट्र मुख्य जोगो देई नहांती ए G20 शिखर सम्मेलन रे एबोली मुहूर्त रे ए G20 शिखर सम्मेलन रे जॉइंट डिक्लेरेशन हेबो कि नै आपण भाबुचंती देखो ये गोटे बर्तन आइडियोलॉजिकल पोलराइजेशन आम देखु वर्ल्ड में ओके आउ युद्ध को लेकर जो सारा पृथ्वी बांटी हो विभिन्न भाग में यहाँ आम वर्ल्ड वार समय सब देखी थे कोल्ड वार समय भी देखी थे एवं भी देखुन जोटा कि कम्प्लीटली यू नो अननेसेसरी बहुत अनावश्यक ओके किंतु ये डिप्लोमेटिक प्रोसेस रे आपण देखिबे तार उटा मेजर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैला ते कोनोसी डिक्लेरेशन फाइनलाइज हवा आगरु नेगोशिएशन सॉरी थाए तांकर कंट्री रिप्रेजेंटेटिव माने जानिजन तां कंट्री पोजीशन कोन दे आर इन कंसल्टेशन विथ देयर कंट्रीज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सेगुडा को सब ऑलरेडी हेई सारी थाए खाली जते बेले हेड ऑफ द स्टेट्स माने आसंदी तांको सेटा सर्कुलेट करा जाए ब्रॉडली से माने एग्री ही थांती माइनर चेंजेस हियर एंड देयर कोटी हुए मोर अंडरस्टैंडिंग होची जदि आमे G20 को गोटे इकोनॉमिक फोरम भाबर एस्टैब्लिश करिया को चाहू छु मोर कहिबा का तार फोकस प्योरली इकोनॉमिक हवा कथा आबला बाबू छु जॉइंट डिक्लेरेशन हवा बाबू छु नहीं पारे गोटे कथा कहि दे अनदर 30 सेकंड्स हां फर्स्ट कथा हैला जे आमे जदि G20 प्लेटफार्म को ब्रिक्स प्लेटफार्म को
यूनाइटेड नेशंस प्लाटफर्म को यूटिलाइज करिबा फॉर सम काइंड ऑफ अल्टीरियर मोटिव ताहले एई ऑर्गेनाइजेशन माने सेमतिया फेल करिवे जेमिति डब्ल्यूटीओ फेल हेछि जेमिति यूनाइटेड नेशंस ऑलमोस्ट डिफंक्ट हेकि अछि जेमिति वर्ल्ड बैंक रो रीच कमी बारु चाइना डेट ट्रैप रे अन्य कंट्रीज माने फसुचंति तेनु जते बेले आमे कोनोसी मल्टी काने इनफैक्ट मल्टीलैटरलिज्म होछि अनदर एजेंडा अनदर एजेंडा पारे हुए त ने बेसी पॉसिबिलिटी अछि काने मते लागि मुखरी मोस्ट वर्तमान जुडै छथि डॉक्टर विनोद कुमार मिश्र जुडै छथि हम सहित वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद मिश्र वास्तव रे जो दिगो में आलोचना करू छै G20 शिखर सम्मेलन कु नै कि दुई दिनिया जो सम्मेलन होउछि निश्चय हमर भारत पई त गोटे गर्वर विषय एवं जो हिसाब रे भारत आगु को जाउछि तार गोटे एटा गोटे सूचना आपन के हिसाब रे जेतु रूसिया आ चाइना रो राष्ट्र मुख्य जोगो दे नांति एबडी गोटे सम्मेलन रे आपन के हिसाब रे जो जॉइंट डिक्लेरेशन करा जाय एथर को जॉइंट डिक्लेरेशन हेबा को जाउछि ना ना सेबले किछि सूचना नाही ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ଏଇଟା ବୁଝାଯାଉନି କି ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲାରେସନ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ କାରଣ ଏଇ ଡାଉଟ୍ର କାରଣ ହଉଛି ବାଲି ସମିଟ୍ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଯୋଉଭଳି ମତ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଆର୍ ୱାଇଡେନ୍ ଏବଂ ସେଇ କଥା ପାଇଁ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମୋଦି ତାଙ୍କ ଇନାଗୁରାଲ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ କହିଲେ ଦାଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର ୱାର୍ଲଡ ନାଉ ସଫର୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଡେଫିସିଟ୍ ଯୋଉଟାକୁ କି ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ତେଣୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଙ୍ଗ ଏ ଭେରି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ କଣ୍ଟ୍ରି ଇନ୍ ଦାଟ୍ ସେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବିଙ୍ଗ ଭେରି ସ୍କିଲ୍ ଇନ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗିଂ ଅପୋଜିଟ୍ ପାର୍ଟିଜ୍ ଟୁ ଦ ସେମ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆମେ ଆଶା କରିପାରିବା ଯେ କିଛି ନା କିଛି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲାରେସନ ବାହାରୁ କାରଣ ଯଦି ଜଏଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲାରେସନ ନ ବାହାରିବ ତାହେଲେ ଦାଟ୍ ଉଡ୍ ବି ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇନ୍ଷ୍ଟାନ୍ସ ଦାଟ୍ ଇନ୍ ଏ G20 ମିଟିଂ ଦେର୍ ୱୋଣ୍ଟ ବି ଏ ଜଏଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲାରେସନ ହୁଚ୍ ଉଡ୍ reflect very poorly on India's diplomatic ability. Tenu mu ta asa karibi ki gote joint declaration hau jaha bi jete minimal agenda rahile bi minimal points declarations rahile bi gote joint declaration hau kintu joint declaration hobar karana eita nahi je Vladimir Putin ebong Xi Jinping ko anupasthit joint declaration hobar karana hauchi jo major issues achi jaha pari discussions hobar achi ba hauchi ତାକୁ ନେଇ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟିଂ ପୋଜିସନ୍ସ ରହିଛି ଗୋଟେ ପଟରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଇଭେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହାଜ୍ ଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଦାନ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅନ୍ ମେନି ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଅନ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଂ ଦ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଣ୍ଡ IMF ଦ ଡେଟ୍ ଟ୍ରାପ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ବାଇ ଚାଇନା ସୋ ଅଲ୍ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଯାହା ଉପରେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆର୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ଡାଇଭର୍ଜେଣ୍ଟ ତେଣୁ ଏଇ ଡାଇଭର୍ଜେନ୍ସ ଭ୍ୟୁକୁ ଗୋଟାଏ ଜାଗାକୁ ଆଣି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କମନ୍ ମିନିମମ୍ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବାହାର କରିବା ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ଡାଉନ୍ଟେନ୍ ଟାସ୍କ ବଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡିପ୍ଲୋମାସି ଇଜ୍ ଭେରି ମାଷ୍ଟରଫୁଲ୍ ସ୍କିଲ୍ଫୁଲ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ସୋ ଟ୍ରଷ୍ଟିଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆବିଲିଟି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ୍ ଆବିଲିଟି ମୁଁ ଏବେ ବି ଆଶା ରଖିଛି କି ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ବାହାରିବ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ ପର୍ ଯାହା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସିଚୁଏସନ୍ ଇଭେନ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସରୁ ଯୋଉ ସଙ୍କେତ ଆସିଛି ବିଫୋର୍ ଦ ଡିପାର୍ଚର୍ ଅଫ୍ ଜୋ ବିଡେନ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ଇଟ୍ ସିମ୍ସ ଦାଟ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ହାଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଗିଭେନ୍ ଅନ୍ ଦିସ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର G20 ମିଟିଂ ଦେ ଆର୍ ମୋର୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ କଲ୍ଟିଭେଟିଂ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଅନ୍ ୟୁନୋ ସ୍ମଲ୍ ଗ୍ରୁପିଂସ୍ ବାୟୋଲେଟ୍ରାଲ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମଲ୍ ଗ୍ରୁପିଂସ୍ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଦେନ୍ ଗ୍ରୁପିଂସ୍ ଟୁ ଟକ୍ ଅବାଉଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ସାଉଦି ଆରବ ଆଣ୍ଡ UAE ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ରେ ସେମାନେ ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଇଟ୍ ସିମ୍ସ ଆଉ ଯୋଉଟା ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସର ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଦାଟ୍ ବିକେମ୍ ଭେରି କ୍ଲିୟର୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସୁଲେଭାନ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଡଭାଇଜର ଅଫ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଦାଟ୍ ଦେ ୱାଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁ ବି ଏ ହବ୍ ଅଫ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି କନେକ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସିଆ ୟୁରୋପ ମିଡ଼ିଲ ଇଷ୍ଟ ଆଫ୍ରିକା ଆଣ୍ଡ ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଇଟ୍ସ ଏ କ୍ଲିୟର୍ ଆର୍ଟିକୁଲେସନ୍ of counter strategy to the China's OBOR strategy, one belt, one road strategy. So they are playing the power game, they are playing the containment of China policy, they are playing the game of drawing India into their ambit of sphere of influence,
तो आपण के हिसाब से निश्चय आशा रखा गोटे जॉइंट डिक्लेरेशन हो बोले आशा रखा जेहेतु अति कम एजेंडा होना कहीं निश्चय गोटे जॉइंट डिक्लेरेशन हो बोले आशा रखा ए जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन धन्यवाद देवी डॉक्टर मिश्र आपंकर शुणापाई मस्त थे डॉक्टर विनोद कुमार मिश्र थे वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ मत जॉइंट डिक्लेरेशन न होवार अनेक कारण अच्छे किंतु अति कम एजेंडा हेल्ले गोटे जॉइंट डिक्लेरेशन होवार आवश्यकता रही गोटे लाइन खाली चाहिए संक्षेप में डॉक्टर प्रशांत सापन ठू 2047 सुधा भारत गोटे विकसित राष्ट्र हो बोली डेलोएट गोटे मत देखते कि वार्षिक हार 8-9% अभिवृद्धि हवा दरकार भारत हेले गोटे विकसित राष्ट्र भारत हो पार 2047 बेलू भावुंत जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन पर आम एभली गोटे दिग को नहीं आशा बांधि पार संक्षेप चाहिए कहीं नुहे आम बर्तमान तो आम पाखापाखि 8% टच कले आगक आगक आपड़ी इकोनोमी विभिन्न एरिया को देखिबे टूरिज्म को देखिबे एविएशन को देखिबे विभिन्न मैन्युफैक्चरिंग को देखिबे सर्विस सेक्टर को देखिबे एथिरे सब ज्योमेट्रिकल ग्रोथ होबार मध्ये संभावना आछ ताले हम कहि परे 1947 बेलकु जो स्वप्न बा जोडा अंतरराष्ट्रीय एजेंसी डेलोइट कहउची कि भारत गोटे विकसित राष्ट्र रे पहुंचि जिवो ता निश्चय भाबे गोटे सफलता दब एई G20 शिखर सम्मेलन गोटे लाइन चाहिबी भक्तस्पति एई दिगरे देखंतो सीएनएन रे जणे एनालिस्ट ले फरीद जकारिया सीए गोटे जिन सीएनएन गोटे प्रोग्राम में पूरा क्लीयरली डिफाइन कर से पूरा विश्व बुली आसिले किंतु से जो एस्पिरेशनल इकोनॉमी जो यूफोरिया डा ताकू खाली दिसला इंडिया रे भारत रे तो से जो एस्पिरेशन डा अछि सेटा जो यंग मास अछि जो मार्केट अछि और जो कंज्यूमर कंज्यूमरिज्म कंज्यूमरिस्टिक अप्रोच टा से भारत रु ही केवल जणा पडु भारत रु ही आसिबो ओके तो देयर इज नो डाउट कि आमे 2047 कोन ता पूर्वरु मे बेबी विकसित राष्ट्र रे विकसित राष्ट्र हेई जाई पारु किंतु एबे ही 8% ऑलमोस्ट क्लॉक करू छी ते एबे आउरी भी सेई बळे आउरी निश्चय आशा मते रखिबा आमे डबल डिजिट ग्रोथ रे पहुंचेर संभावना छै डबल डिजिट निश्चय हम आशा मते कहिबा कि G20 शिखर सम्मेलन पर एबोली किछि दिग मध्य भारत को आसु गोटे विकसित राष्ट्र परिणत होगा सह भारत आहरी समृद्ध हो धन्यवाद देवी डॉक्टर प्रशांत साहू धन्यवाद देवी भक्तस्पति आप समस्त आलोचना भाग लगे G20 शिखर सम्मेलन में निश्चय भाव आगामी समय भारत वर्ष गोटे नुआ दिग एवं नुआ जुग क्षेत्र में सहायक हम ए सन्देह ना एक्सेस कर आज टुडेज बिग न्यूज को नमस्कार।